चमकौर दे शहीद मुगल सरकार ते उहदे मुखी कर्मचारियों का विचार सी कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ते उन्हां नाल भाई मती दास ते भाई दयाले नूं तसीहे दित्ते जाण दी घटना पिछों लोकां विच इतना भय पैदा हो जाएगा कि उह गुरु साहब की इनकलाबी लहर विच शामिल होना तां कि हमदर्दी रखनी भी छड्ड देणगे। पर उन्हां नूं इह नहीं सी पता कि गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ते भाई मती दास आदि की शहीदी नाल सिखी दे महल दीआं नीआं इतनियां पक्कियां हो गईआं हन कि इस उसारी नूं ना ते कोई ढा सकदा है ना ही यह खत्म हो सकती है। जिवें माली बूटियां नूं बदलण लई प्यौंद ला दिंदा है, इस तरह इन्हां दी महान शहादत नाल कौम नूं कुरबानियां दी प्यौंद लग गई ते लोक उभार पूरी तरह सामने आ गया। 1686 विच पंगाणी दे युद्ध विच हार खा के बाई धार दे राजियां ने महसूस कर लिया कि हुण गुरु गोबिंद सिंह जी दी अगवाई विच इह लहर इतनी बलवान हो गई है कि वह दबा नहीं सकते। ज्यों ज्यों आनंदपुर साहब विच रौनकां वधदियां गईयां, पहाड़ी राजियां ते खास करके भीम चंद दे पेट विच दर्द वधदा गया। जद गुरु साहब ने 1699 विच अमृत की दात बख्श के खालसा पंथ की साजना की ते ऐलान किया कि सारे मनुख एक समान हैं, ऊच नीच का फर्क खुदगरजा ने पैदा किया है, साढ़े दरबार विच किसे नू नीवा ते किसे नू उच जात का नहीं समझिया जाएगा ते अमलां नू तरजीह दिती जाएगी। इस नाल उच जात दे अभिमानी पिट उठे। राजियां दा राज ही इसे ऊच नीच दे भरम दे आसरे चल रहा सी, उन्हां लई होर बर्दाश्त करना कठिन सी। इसलिए उन्हां औरंगजेब पास शिकायत कीती। औरंगजेब ने दखण तो ही हुक्म दे के फौज नूं आनंदपुर चढ़ाई लई भेज दिता। लाहौर ते सरहंद प्रांत दे सूबेदारां ने भी फौजां इकट्ठियां कर लईआं। उधरों सारे हिंदू पहाड़ी राजे भी लश्कर लैके आ गए ते 1701 विच आनंदपुर साहिब नूं घेर लिया। 3 साल लड़ाई जारी रही ते अखीर 1704 विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर दा किला छड्डिया। सरसा दरिया पार करदियां वड्डी लड़ाई हुई जिस विच दोहां धीरां दा बहुत नुकसान होया। नदी पार करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा परिवार निखड़ गया। दो छोटे साहबजादे जोरावर सिंह ते फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी नाल एक पासे चले गए ते वड्डे साहबजादे अजीत सिंह ते जुझार सिंह अपने पिता नाल रह गए। गुरु गोबिंद सिंह जी सरसा नदी नूं पार करके चमकौर पहुँच गए। यह थां जिला रोपड़ विच है। इत्थे एक हवेली विच आपने उतारा किया। भारी गिनती विच दुश्मन की फौज आप दा पिछा करदी इत्थे भी पहुँच गई। 550 तो उपर उन्हां पास नंगारे सन, जिस तों अनुमान लगाया जा सकता है कि फौज की गिनती कितनी कु होवेगी। गुरु साहब के नाल इस समय केवल 40 सिंह सन, पर इन्हां सारयां दे हौसले इतने वध सन कि यह लख तो उपर आई फौज का टाकरा करन लई तैयार सन। किसी के मन में मौत का भय नहीं सी। यह कच्ची कंध की ओट विच सिंघां ने मोर्चा बना लिया ते दिल्ली, लाहौर, सरहंद ते बाई धार राजियां दी हथियारबंद फौज नाल टक्कर लैनी शुरू कर दित्ती। एक सिंह इस कंध दे पिछों निकलदा ते बिजली दी तरह कड़क के तलवार नाल दुश्मन दी फौज विच वड़ के वड्डा टुक्की शुरू कर दिंदा। एक आदमी नूं सांभणा फौज लई मुश्किल हो जांदा ते कई बार काफ़ी समा इको आदमी लड़दा रहिंदा। जद एक शहीद हो जांदा तां दूजा मैदान विच सत श्री अकाल दे जकारे छड़दा पहुँच जांदा ते उह सारी फौज नूं ठल पा लैंदा। सरकारी फौज दे मुखी अफसर भी हैरान सन कि इह लोक किस मिट्टी दे बने हुए हन, जिन्हां विचों एक एक भी 125,000 ते भारू है। जद काफ़ी सिंह शहीद हो गए तां गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे साहबजादे अजीत सिंह जी, जिन्हां दी उम्र 18 साल दी सी, हजूर दे सामने आए ते आके बेनती कीती, बहुत सारे सिंह शहीद हो गए हन, हुण मैनू आग्या दित्ती जावे कि मैं अपना जीवन सफल कर लवां। हजूर ने
अपने लखते जिगर वाल देखिया। उस दे चेहरे ते जंग विच जूझन दे चा दे प्रगटावे नूं देख के खुश होए ते अपने पवित्र हत्थां नाल कृपान उहनूं फड़ा के आशीर्वाद दित्ती। निक्की निक्की मसफुट वाला यह अत सुंदर जवान अपने गुरदेव पिता दे आशीर्वाद नूं लै के बाहर मैदान विच निकलिया ते दुश्मन दी फौज नूं अख भी झमकन दा वक्त ना दिता ते उहनां दे विच वड़ गया। अजिही तलवार चलाई, गतके दे अजिहे पैंतड़े ले कि दुश्मन दी फौज अछ अछ कर उठी। चारे पासियां तों हमले नूं रोकणा ते फिर वार करना कमाल होशियारी दी खेड सी। दुश्मन दा काफ़ी नुकसान करके बहादुरां वांग लड़दियां साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीद हो गए। गुरु साहब के दूजे साहबजादे जुझार सिंह की उम्र 14 साल की सी। अपने वड्डे भरा नूं शहीद हुंदा देख के उस तो भी ना रह ना होया ते दशमेश पिता के सामने आके सीस नवा के हथ जोड़ ले। हजूर ने पुछया तां बेनती की मैनू भी थापड़ा दिओ कि मैं अपने शहीद वीर दे नाल जा मिला, उन्हां वीरां तो पिछे ना रह जावां जो दूर लंघ गए हन। जवान पुत्तर जिन्हां नूं चाह नाल घोड़ी चाढ़ना सी, विआह दा गाना बनना सी ते जिन्हां दी जवानी परवान चढ़नी सी उन्हां नूं अपने हत्थी जंग दे मैदान विच भेजिया गया सी। इस गल दा दुख नहीं, गुरु साहिब नूं खुशी सी कि उन्हां दी संतान अपनियां खानदानी रवायतां नूं कायम रख रही है। जुझार सिंह नूं भी जंग दे मैदान विच भेज दिता गया ते ओह वी शहीद हो गया। जद केवल 5 सिख रह गए तां उन्हां फैसला किया कि गुरु साहिब नूं हुण इत्थों चले जाना चाहीदा है। गुरु साहिब जाण लई तैयार नहीं सन, पर सिंघां दे फैसले नूं मन के जाना ही पिया। चमकौर दी जंग विच शहीद होण वाले सारे सिंघां दे नाम तां इतिहास विच्चों नहीं मिलदे, पर 2 वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी तों पिछों वर्णन योग शहीदी भाई संत सिंह दी है। कहा जाता है कि इन्हां दी शकल सूरत ते बाहरली दिख गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मिलदी जुलदी सी। इन्हां नूं गुरु साहिब वाले वस्त्र पवा दित्ते गए ते जद गुरु साहिब चमकौर दी गढ़ी छड्ड के चले गए तां दूजे दिन सरकारी फौज ते उन्हां दे मुखी इहो समझदे रहे कि गुरु साहिब अजे इत्थे हन। भाई संत सिंह ने बड़ी बहादुरी नाल मुकाबला किया ते सारा दिन दुश्मन नूं ठल पाई रखी। जद उह शहीद हो गए तां पिछों जा के दुश्मन नूं पता लगा कि इह गुरु गोबिंद सिंह नहीं सगों उन्हां दा कोई सिख है। भाई संत सिंह जी नूं पता सी उह किसे सूरत विच बच नहीं सकणगे, पर अपने गुरदेव नूं बचाउण लई उन्हां आपा वारन तों संकोच ना किया ते शहीदी प्राप्त करके सदा लई अमर हो गए। इसे जंग विच तिन्ने प्यारे ते भाई जीवन सिंह जैता जी भी शहीद हुए।